इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आईपीएल 2020 की रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट लगभग जारी हो चुकी है। सभी टीमों की लिस्ट हमने आपको अपनी पिछले रिपोर्ट में बता दी है। एएनपी न्यूज पर आप चेक कर सकते हैं कि किस खिलाड़ी को रिलीज किया गया है और किस खिलाड़ी को रिटेन किया गया है। हालांकि बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वहां पर कई बड़े उलटफेर हुए हैं। दरअसल हरभजन सिंह को जहां उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो टीम से अब बाहर हो गए हैं और उनका सीएसके के साथ सफर खत्म हो गया है, वहीं दूसरी तरफ सुरेश रैना, जो कि चर्चाओं का विषय बने हुए थे, जिनका विवाद भी बीते साल आईपीएल के दौरान हुआ था कि वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, उस पर भी बातचीत हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सुरेश रैना को रिटेन कर लिया है सीएसके की टीम ने। एक तरीके से ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि एमएस धोनी ने अपनी दोस्ती निभाई। जय वीरू की दोस्ती की तरह इनकी दोस्ती देखी जाती है। दोनों ने साथ में कई मैचेस जिताए हैं, कई टूर्नामेंट जिताए हैं भारतीय टीम को, और ये भी हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि बीते साल के आईपीएल में सुरेश रैना अचानक आईपीएल बीच में छोड़ के आ गए थे, सीएसके को बीच मझधार में छोड़ के आ गए थे। सीएसके की टीम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था आईपीएल के कि वो यहाँ पर टीम में क्वालिफाई बल्कि प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर ही नहीं पाए थे। लेकिन उसके बावजूद सुरेश रैना की कमी ज़रूर खली थी, विवाद भी हुआ, कई स्टेटमेंट्स भी आए, लेकिन यहाँ पर एमएस धोनी की दोस्ती और एमएस धोनी की मेहरबानी की वजह से सुरेश रैना को टीम में जगह मिली है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। दरअसल सुरेश रैना का यहाँ पर प्रदर्शन कुछ खास रहा भी नहीं है इस टीम में। सुरेश रैना सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, स्लो 50s बना रहे हैं, तो उम्र का पड़ाव भी देखने को मिल रहा है। देखिए यही होता है जब इंसान डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता ना, अपनी अकड़ में रहता है, तो फिर आपको यहाँ पर इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और इस चीज़ का खामियाजा भुगता है सुरेश रैना ने। लेकिन उसके बावजूद उन्हें आईपीएल में सीएसके ने रिटेन किया है। अब देखना होगा कि सुरेश रैना आईपीएल 2021 में कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एमएस धोनी ने सभी बड़े जो खिलाड़ी थे जो ज़बरदस्ती की अकड़ दिखाते थे, यानी कि केदार जाधव, शेन वॉटसन, हरभजन सिंह, सोनू सिंह जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया है और सुरेश रैना को अंदर लेके आए हैं ये टीम। अब देखना है कि एमएस धोनी ने सुरेश रैना का करियर तो बचाया है, अब सुरेश रैना कैसा प्रदर्शन करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, क्या धोनी का रैना को बचाना सही है? हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। एएनपी न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।